YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। तो हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है कल के लिए और कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो जब तक ये 17,400 के ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे, और यहाँ पर खास करके जब कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, जब तक बाइंग का स्ट्रेंथ ना आए, जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रेंथ था फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ आया, उस तरह का हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए भी हमें नीचे मूवमेंटम और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए। तो ये जो रेंज है जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस पर कोई भी व्यू नहीं ले सकते हैं, ना तो बुलिश व्यू ना तो बेरिश व्यू। अगर ये नीचे के रेंज को ब्रेक करता है जो कि है 16,800 के, तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, और निफ्टी यहाँ पर जब ब्रेक डाउन देगा तो कंप्लीट रूप से आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं निफ्टी को पोजिशनल बेसिस और इंट्राडे बेसिस। और यहाँ पर निफ्टी अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 17,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस, और इंट्राडे बेसिस तो आप किसी भी मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक जो है मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है और इस रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी, और वही व्यू यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी देखिए ये आज भी गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फिर से ये वापस चला गया, मतलब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया है, तो ये भी इस रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये 37,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, मतलब इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता ऊपर की ओर, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, और जब तक ये नीचे की ओर सस्टेन नहीं हो जाता है 35,500 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर कंप्लीट रूप से बेरिश भी नहीं होंगे। तो ब्रेकडाउन जब होगा 35,500 को तो आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस और पोजिशनल बेसिस, और जब तक इस रेंज में है तो आप इंट्राडे में आप किसी भी मोमेंटम को यहाँ पर कैच कर सकते हैं, और इस रेंज को ब्रेक होने का हम इंतजार करेंगे, तभी हमारा कोई भी यहाँ पर व्यू आएगा इस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में बात करें, मतलब इंट्राडे बेसिस बात करें, तो यहाँ पर एक हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राप्त हुआ था डाउन साइड, और यहाँ पर एक दिन रैली मिलने के बाद नीचे के साइड डाउन साइड, यहाँ पर मार्केट कंप्लीट रूप से निफ्टी साइड बेच था, तो आप यहाँ पर ऊपर के कॉल को सेल कर सकते हैं, नीचे के पुट को भी सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके का जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पर ले सकते थे। तो अभी यहाँ पर देखिए ऊपर का तो मोमेंटम हमें मिलेगा नहीं, तो हमें जो मोमेंटम मिलेगा कंप्लीट रूप से वो नीचे के मोमेंटम का हमें इंतजार करना चाहिए, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी, तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम मिल सकता है, जो कि निश्चित रूप से न्यूज बेस्ड भी हो सकता है, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार भी हो सकता है, या हम प्राइस एक्शन को देख करके यहाँ पर जैसे नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन पे हमें ज़बरदस्त मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्विंग है इस स्विंग के 50% के रिट्रेसमेंट के बाद ही हम ऊपर की ओर मोमेंटम का वेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ खास रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम जो मोमेंटम का वेट करेंगे कंप्लीट रूप से वो नीचे का इंतजार करेंगे। यहाँ पर अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद नीचे मोमेंटम करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको गजब का मोमेंटम मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा हम गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं तो फिर आपको प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना पड़ेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पर गजब का एक मोमेंटम दिखा है, और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जो है थोड़ा सा आया और फिर यहाँ पर कंप्लीट रूप से साइडवेज हो गया। यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी भी अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, नीचे की रेंज को ब्रेक करता है, तो एक शानदार मोमेंटम हमें नीचे की ओर देखने मिल सकता है। तो ये व्यू है। अगर मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है, देखिए डाउ जोंस अभी फिलहाल नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर भी डाउ जोंस जो है नीचे गिर चुका है। तो अगर यहाँ पर डाउ जोंस जो है कुछ बड़ा गिरावट दिखाता है, निश्चित रूप से हमारा मार्केट भी काफ़ी गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी भी बढ़ चुका है, मार्केट वोलेटाइल हो चुका है, गैप होता है फिर ऊपर जाता है, क्योंकि देखिए इस रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक इस रेंज को हम ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमें किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम जो है, मतलब एक रैली देखने मार्केट में नहीं मिलेगा। तो बड़ा मोमेंटम कैच करना है, इस रेंज को हम ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बाटा इंडिया, अगर मार्केट ग्रीन रहता है, मार्केट में मतलब तेजी देखने मिलता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जब ये 1971 रुपये के ऊपर निकलेगा, मतलब 1972 के ऊपर आप बाय करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको 1:1 का या 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। फिर विप्रो, जिसको आप विप्रो को सेल कर सकते हैं 400, देखिए यहाँ आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे ट्रेड करता है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। काफ़ी वॉल्यूम का यहाँ पर सपोर्ट है, निश्चित रूप से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक है,
ऐसे भी आईटी सेक्टर स्टॉक काफी ज्यादा करेक्शन कर रहा है, गिरावट दिखा रहा है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको यहाँ पर रखना है। फिर जिस स्टॉक को आप बाय करते हैं वह है इंडसइंड बैंक। देखिए यहाँ पर इंडसइंड बैंक जो है ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, ये कंसोलिडेट कर रहा था लगातार और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगला स्टॉक जिसे आप सेल कर सकते हैं वह है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब अगर यहाँ पर आज के क्लोजिंग 2490 रुपये के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं विथ 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस विथ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।